बड़वानी जिले में मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने अवैध हथियार बनाने के कारखाने का पर्दाफाश किया। बड़ी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने की सामग्री की जब्त और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बड़वानी में मुखबिर से सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बने पुलिस दल ने वरला थाने के ग्राम उमड़ी में दबिश देकर अवैध हथियार बनाने के कारखानों का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी गुरुदयाल निवासी उमरठी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी कब्जे से 9 अवैध हथियार जिसमें पिस्टल कट्टा शामिल है, इसी के साथ ही 556 नग कारतूस जब्त करने के साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार बनाने की सामग्री जब्त करी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के अन्य राज्यों में भी संपर्क है, पुलिस फिलहाल इनसे पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक यह भी कहते हैं कि लगभग 2 से 3 साल से यह कारखाना संचालित हो रहा था और इस क्षेत्र में हथियार की तस्करी में काफ़ी लोग सक्रिय हैं। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। मुखबिर की सूचना पर उमरटी गांव जो हमारा वल्ला थाना क्षेत्र में आता है उसमें एक सिकलीकर को पकड़ा गया है। उससे 9 नग अवैध हथियार मिले हैं और 256 नग कारतूस मिले हैं और पूरा अवैध हथियार बनाने की पूरे जो सामान होता है फैक्ट्री वो मिली है। तो उसे गिरफ्तार किया गया और उसके आगे जो लिंक्स बताई हैं जिसके तहत वो कारतूस प्राप्त कर रहा था और किन किन लोगों को हथियार बेच रहा था उसके संबंध में आगे विवेचना कर रहा है। कितने आरोपी सर जी को और ये कारोबार कब से चल रहा था? ये अभी तो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और ये कारोबार काफ़ी समय से चल रहा था, मैं समझता हूँ लगभग 2-3 साल से चल रहा था। सर हम उमरटी की बात करें और भी अन्य जगह इस तरीके के हथियार बनाने की बातें सामने आ रही हैं? नहीं, उमरटी में काफ़ी लोग सक्रिय हैं और लगातार दबिश देके उनको पकड़ा जाएगा और अवैध हथियार का जो है चलन क्षेत्र में है तो उसके हिसाब से जो है लगातार कार्रवाई करेंगे। सर अन्य राज्यों में भी संपर्क सामने आए हैं? हाँ, निश्चित ही अन्य राज्यों से संपर्क हैं इनके और जो है पूरा वो संपर्क को भी हम पकड़ेंगे और अन्य राज्यों की पुलिस को भी बताएंगे। सर इनके बेचने का तरीका क्या था? ये अपनी डिलीवरी जो है अपने जो भी इनका जिसको भी करनी होती है उसको बुलाते हैं और एक पूर्व नियोजित स्थान पर वहाँ मिलकर डिलीवरी करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।